गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, हमने साइक्लिक गेन्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और जो साइक्लिक गेन्स वाला चैप्टर है उसमें हम साइक्लिक गेन्स का बेसिक नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, आईपीसी नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, उसके मेथड ऑफ सिंथेसिस हम कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं हम कह सकते, सेकेंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ बेयर स्ट्रेन थ्योरी का जो हमारा टॉपिक है। इसमें हम जो मैं डिस्कस करना है, तो हमें जो हमारे पास साइक्लिक गेन्स हैं उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है। हम कह सकते हैं कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक गेन्स जो हमारा आज का टॉपिक है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक गेन्स। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक गेन्स, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के साइक्लिक गेन्स है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन एंड साइक्लोक्टेन्स, हमें उनकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है और उसको डिस्कस करने के लिए हम हेल्प लेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी की। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की साइक्लिक गेन्स हैं उनकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी को जब हमें डिस्कस करने की हम बात करते हैं, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें, जैसे साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन या जो साइक्लोहेक्सेन्स है, उसकी अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या है कि जो साइक्लोपेंटेन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए देन साइक्लोहेक्सेन्स है। लेकिन एक्चुअल में है क्या, जो साइक्लोहेक्सेन हमारे पास साइक्लिक गेन्स है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साइक्लोपेंटेन अगर हम बात करें। और फिर इसी में क्या है कि एक साइंटिस्ट थे अल्डोफ वॉन बेयर, ALDOF, अल्डोफ वॉन बेयर, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी और उसी थ्योरी को हम बोलते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो जो थ्योरी है उसी के नाम पे है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं जिसको अज्यूम करके उसने जो इस थ्योरी को डिस्कस किया था। सबसे पहले कि जब हमारे पास कोई भी एक, अगर मैं बात करूँ, हमारे पास कोई भी एक कार्बन एटम है, उसके साथ अगर चार फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वो सभी क्या होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर कार्बन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हियर इज फ्लोरीन। तो यहाँ पर जितने भी जो ग्रुप अटैच हैं ये सारे क्या इसके साथ टेट्राहेड्रली, इस जो सेंट्रल एटम है कार्बन उसके साथ अटैच्ड है। अगर इसके साथ ये टेट्राहेड्रली अटैच्ड है तो मीन्स sp3 हो गए हाइब्रिडाइजेशन, और इसका बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। दिस वन इज द सेंट्रल टेट्राहेड्रल एंगल। ये क्या हमारे पास, ये क्या टेट्राहेड्रल एंगल है जिसके बेसिस उसने बेयर स्ट्रेन थ्योरी को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं साइक्लिक गेन्स की। अगर मैं साइक्लिक गेन्स की बात कर रहा हूँ तो जितने भी उसके पास कार्बन आइटम है सारे क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम, अगर मैं साइक्लोब्यूटेन, दिस वन इज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, दिस वन इज साइक्लोपेंटेन, ये सारे क्या एक प्लेन में है। अगर ये सारे एक प्लेन में है तो ये इम्पॉसिबल है कि जो इनका एंगल रहेगा दो किसी कार्बन एटम के बीच में, या कोई भी हमारे पास जो कार्बन सेंटर है उसका जो एंगल रहेगा वो टेटर्ड एंगल के इक्वल रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स रहेगा, वो उसके वहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा। वो वहाँ पे कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द जो हम साइक्लिक गेन्स को डिस्कस कर रहे हैं वो उसकी कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। इसका क्या सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में क्या है कि अगर हम साइक्लिक गेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो जितने भी हमारे पास वहाँ पे कार्बन एटम है वो सारे क्या होंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन में लाई करें। अगर वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल होगा कि जो उसका एंगल रहेगा वो टेट्राहेड्रल एंगल के इक्वल रहेगा, या तो उससे कम रहेगा वो वहाँ पे, ज़्यादा रह सकता है। जैसे हम साइक्लो, अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस वन इज द साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन को हम अज्यूम करके चलते हैं कि इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। लेकिन जो टेट्राहेड्रल एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये तो इसका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पे वो कहते हैं कि अगर वहाँ पे डेविएशन हो रहा है, इफ देयर इज अ डेविएशन इन बॉन्ड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, अगर वहाँ पे डेविएशन हो रहा है नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से,
थर्ड पॉइंट को अगर मैं दिस वन इज द सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, इफ देयर इज डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल, देन देयर इज स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल एंड दैट इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन, और उस स्ट्रेन को हम बोलेंगे एंगल स्ट्रेन। अगर कहीं पे डेविएशन हो रहा है, मीन्स चेंज हो रहा है, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से अगर एंगल चेंज हो रहा है, तो वहां पे मॉलिक्यूल में क्या होगी, स्ट्रेन होगी, और उसी स्ट्रेन को हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। अब मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। अगर मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो मीन्स उसको सिंथेसाइज क्या करना होगा, मुश्किल होगा। मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो मीन्स वो हाईली रिएक्टिव होगा। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, मोर इज द एंगल स्ट्रेन, मोर इज द इंस्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल, मोर इज द एंगल स्ट्रेन मोर इज द इंस्टेबिलिटी इन मॉलिक्यूल, इंस्टेबिलिटी इन मॉलिक्यूल। ठीक है, जितना ज़्यादा उसमें डेविएशन होगा उतनी ज़्यादा उसमें एंगल स्ट्रेन होगी, और जितनी ज़्यादा उसमें एंगल स्ट्रेन होगी उतनी ज़्यादा उसमें मॉलिक्यूल में क्या रहेगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी। कोई मॉलिक्यूल स्टेबल कब रहेगा, जब उसमें कोई भी एंगल स्ट्रेन रहेगी, या अगर जो उसका एंगल रहेगा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल के इक्विलेंट रहेगा, तब उसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं रहेगी और मॉलिक्यूल क्या रहेगा, हमारे वहाँ पे स्टेबल रहेगा। ये सभी जो पोस्टुलेट्स हैं, हम कह सकते हैं कि ये सभी अजम्पशन है बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अजम्पशन से, ये जो सभी अजम्पशन है ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अजम्पशन है। और जो एंगल डिपेंड करता है, जो एंगल डिपेंड करेगा, जो एंगल स्ट्रेन डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी मॉलिक्यूल्स पे, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना एंगल है, और उसके बेसिस पे हम उसकी एंगल स्ट्रेन निकालते हैं। एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए बेयर स्ट्रेन, बेयर ने एक फॉर्मूला भी दिया है हम उसको, एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एंगल स्ट्रेन इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस एंगल इन द प्लेनर रिंग। मैंने साइक्लोलोकेन की बात की थी यहाँ पे, एंगल इन द प्लेनर रिंग, कि जो हमारे पास प्लेनर रिंग है उसमें एंगल कितना है, उसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, एंगल स्ट्रेन निकालते हैं। मैं एंगल बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं एंगल स्ट्रेन निकालने है किसी भी मॉलिक्यूल में, एंगल स्ट्रेन इक्वल टू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस नॉर्मल एंगल इन प्लेनर रिंग, ये क्या होगा हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एंगल स्ट्रेन। अब हम मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि एंगल स्ट्रेन को हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मल जो हमारे पास मॉलिक्यूल है मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ, दिस वन इज द, जैसे मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लोप्रोपेन है, दिस वन इज द साइक्लोप्रोपेन, और एक मैं लेता हूँ साइक्लोब्यूटेन का, एक 4 मेंबर रिंग है और एक मेरे पास क्या है 3 मेंबर रिंग है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, और एंगल कितना होना चाहिए अगर मॉलिक्यूल स्टेबल रहे, मॉलिक्यूल कब स्टेबल रहेगा, जब एंगल क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। तो अगर मैं इसकी यहाँ पे एंगल स्ट्रेन निकालता हूँ 1/2 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस, अगर मैं इसे इसमें 60 माइनस करता हूँ, 60 डिग्री अगर मैं इसमें माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 1/2 109 में 60 गई, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 4 49 डिग्री 28 मिनट्स, तो ये हो गया 24 समथिंग, ये होगा 24 डिग्री और सॉरी 14 मिनट्स। तो जो इसका जो इसमें स्ट्रेन कितनी है, यहाँ पे ये कितना है प्लस में है, तो जो इतना ये एंगल आया ये इसमें एंगल स्ट्रेन है, मतलब इसका जो एंगल होना चाहिए था, अब यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है, इसका एक्चुअल में एंगल कितना होना चाहिए था, वो इतना होना चाहिए था यहाँ पे,
इसका जो एंगल होना चाहिए था वो इतना होना चाहिए, मीन्स ये इतना ओपन अप होना चाहिए। अब इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है, मीन्स एंगल स्ट्रेन कितनी है इसमें, दिस वन इज द एंगल स्ट्रेन प्लस 24 डिग्री 14 मिनट्स, और यहाँ पे भी एंगल स्ट्रेन कितनी है, 24 डिग्री 14 मिनट्स, इसमें एंगल स्ट्रेन होगी। और टोटल टोटल एंगल कितना हो गया, ये टोटल एंगल हो गया इसका 109 डिग्री 28 मिनट्स। सेम हम इसमें निकाल सकते हैं 90 डिग्री, 109 में से 90 अब जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 19 के राउंड आ जाएगा, और 19 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 9 दूनी 18, 9 के राउंड आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आएगा, 9 के राउंड आएगा। तो इसका जो एंगल हो सकता है वो कितना हो सकता है, यहाँ पे कम है वो कितना होगा, 9 डिग्री 44 मिनट्स। आप उसको वो कैलकुलेट कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। और जो पूरा एंगल होगा वो कितना होगा, दिस वन, क्योंकि 60 में ही ऐड करोगे आप 18, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स। मीन्स ये जो हमारे पास मैंने साइक्लो प्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन का, साइक्लो प्रोपेन एंड दिस वन इज द साइक्लोब्यूटेन, जो मैंने ये मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्कस किया, इस मॉलिक्यूल की हेल्प से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स है इसमें इतनी एंगल स्ट्रेन है, इसमें एंगल स्ट्रेन है 24 डिग्री 14 मिनट्स, एंड इसमें एंगल स्ट्रेन है 9 डिग्री 44 मिनट्स। तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। उसने यहाँ पे क्या निकाल, एंगल स्ट्रेन निकाली, और एंगल स्ट्रेन की उसकी हेल्प से उसने कहा कि दोनों मॉलिक्यूल क्या अनस्टेबल है। अब ये मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है 14 डिग्री 28 14 24 डिग्री 14 मिनट्स, और इसमें एंगल स्ट्रेन कम है। तो मीन्स ये मॉलिक्यूल का ज़्यादा अनस्टेबल है और ये मॉलिक्यूल का कम अनस्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये हाईली रिएक्टिव है, ये इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ये हाईली रिएक्टिव है तो मीन्स इसको सिंथेसाइज करना मुश्किल है, और इसको सिंथेसाइज करना यहाँ पे आसान है। तो एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी में बात कर रहा हूँ, बेयर स्ट्रेन ने क्या कहा था कि जितनी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन रहेगी मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा, और मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी, और जितनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी रहेगी जो उसको जो भी पर्टिकुलर वो कंपाउंड है मॉलिक्यूल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको सिंथेसाइज करना उतना ही मुश्किल रहेगा, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी में बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम जो हमारे पास डिफरेंट साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेप्टेन, मैं सभी का बोर्ड एंगल एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके साथ इसको डिस्कस करता हूँ कि कैसे जो उसने विद द हेल्प ऑफ एंगल स्ट्रेन उसने मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है उसको कैसे डिस्कस किया। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी मैंने एंगल स्ट्रेन लिखी हुई है। अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स में हमारे पास साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन हेक्जेन एंड दिस वन इज हेप्टेन। बॉन्ड एंगल इन प्लेनर रिंग, प्लेनर रिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने इसको एक अज्यूम किया है, दिस वन इज एज एन इक्विलेटरल एंगल, दिस वन इज इक्विलेटरल एंगल के इक्वल है, और ये हमारे पास यहाँ पे कोई स्क्वायर प्लेनर एंगल के इक्वल है। इसको हमने अज्यूम किया है रेगुलर पेंटागन के इक्वल, दिस वन इज हेक्सागन एंड दिस वन इज हेप्टागन। तो उसके अकॉर्डिंग पे इनके एंगल कितने हैं, यहाँ पे इसके एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री 100 डिग्री, दिस वन इज 120 एंड दिस वन इज 128 डिग्री 26 मिनट्स। ये हमने इसके प्लेनर रिंग में एंगल जूम किए हैं, उसके बेसिस पे हमने इसकी एंगल स्ट्रेन निकाल लिया है। मैंने आपको साइक्लोप्रोपेन के लिए मैंने आपको एंगल स्ट्रेन निकाल के दिखाई थी, साइक्लोब्यूटेन के लिए मैंने आपको एंगल स्ट्रेन निकाल के दिखाई है। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितनी थी, 24, दिस वन इज 19, 0 -5 19, और ये यहाँ पे हमने हीट ऑफ कम्बस्टन पर CH2 ग्रुप किलो जूल पर मोल में जो वैल्यू है यहाँ पे है किलो जूल पर मोल। अब इसमें हमें डिस्कस करना है कि जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इसकी जो स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो कैसी है। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी अगर मैं बात करूँ, आपको क्या है, जो साइन है यहाँ पे पॉजिटिव और दिस वन इज द नेगेटिव, आपको उसके साइंस पे डिपेंड नहीं करना, उसका साइंस यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है। एंगल स्ट्रेन मॉलिक्यूल में इसमें भी एंगल स्ट्रेन है, इसमें भी एंगल स्ट्रेन, इसमें भी एंगल स्ट्रेन है, ये और ये भी नहीं है कि अगर पॉजिटिव में वैल्यू है तो उसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है और नेगेटिव में वैल्यू है तो उसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करना है।
आपको उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव को आपको उसमें नहीं वो मानना कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है, अगर वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है तो मीन्स मोलिकुल पे वहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें एक्सपेंशन हो रही है, मोलिकुल यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहे हैं। और जब वैल्यू मीन्स पॉजिटिव में वैल्यू क्या हो रही है, जब इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू क्या इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव में 0.0°44', यहाँ पे 9°, और यहाँ पे क्या 24°44', तो मीन्स मोलिकुल क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है 5 to 4, 4 to 3। और जब नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हो रही है -5°16' एंड दिस वन इज 9°33', तो मोलिकुल क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव में वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और अगर नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मॉलिक्यूल में वहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और हमें सिर्फ क्या उसकी मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है वहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एंगल स्ट्रेन क्या कर रही है, मॉलिक्यूल में डिक्रीज कर रही है। अगर मैं साइक्लोब्यूटेन, दिस वन इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, दिस वन इज साइक्लोब्यूटेन, दिस वन इज साइक्लोपेंटेन, अगर मैं साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोब्यूटेन की तरफ मूव कर रहे हैं तो एंगल स्ट्रेन डिक्रीज कर रही है। एंगल स्ट्रेन डिक्रीज कर रहे हैं तो इस मॉलिक्यूल में क्या कर रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। मॉलिक्यूल में क्या कर रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ये मॉलिक्यूल क्या होगा, कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये उससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, मीन्स ये कम रिएक्टिव है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसको सिंथेसाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, इसको भी इजिली सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसको हम इजिली इसको भी हम इजिली सिंथेसाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी की अगर हम बात करें। फिर बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम साइक्लोहेक्सेन टू साइक्लोहेप्टेन मूव कर रहे हैं तब भी क्या हो रही है, जो एंगल स्ट्रेन इंक्रीज कर रही है, मीन्स जो हमारे पास 7-मेंबर रिंग है वो कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू 6-मेंबर रिंग की अगर हम बात करें। ये था बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल मैं आपको बता देता हूँ, वैसे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो हमारे पास 6-मेंबर रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 5-मेंबर रिंग की अगर हम बात करें। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी तो क्या है कि 5-मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 6-मेंबर रिंग। लेकिन एक्चुअल में इसके बाद एक ससे मोर थ्योरी आती है स्टेनलेस रिंग की, उसमें हम डिस्कस करेंगे। जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी वो सिर्फ यहाँ तक ही एप्लीकेबल थी, 3 to 5 5-मेंबर रिंग है, उससे जो लोअर मेंबर रिंग है सिर्फ वहीं तक एप्लीकेबल थी बेयर स्ट्रेन थ्योरी की अगर हम बात करें। वो एक इसके बाद क्या कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने कुछ नेगेटिवली भी कुछ रॉन्ग भी एजम्पशन दिया है। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो 7-मेंबर रिंग है वो हाईली अनस्टेबल है, 7-मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल है, उसमें क्या है स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन आ रही है अकॉर्डिंग टू एंगल स्ट्रेन। लेकिन एक्चुअल में अगर हम 7-मेंबर रिंग की बात करें वहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत कम है क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, जो हमारे पास 7 नंबर ऑफ कार्बन आइटम आते हैं तो मॉलिक्यूल वहाँ पे उसका पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है, और जो हर एक कार्बन सेंटर होता है वो अपने आप को एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज कर लेता है। अगर हम 3D अरेंजमेंट की बात करें, अगर एक कार्बन आइटम क्या होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज कर लेता है, और मॉलिक्यूल में वहाँ पे इतनी स्ट्रेन नहीं होती। लेकिन अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी वहाँ पे एंगल स्ट्रेन थी, ये इसकी मेन मेन अजम्पशन थी जो अगर हम बात करें बेयर स्ट्रेन थ्योरी की। अगर हम बात करें कि 3-मेंबर रिंग ज़्यादा कम स्टेबल है, देन 4-मेंबर रिंग थोड़ी ज़्यादा स्टेबल है, 5-मेंबर रिंग थोड़ी ज़्यादा स्टेबल है, अकॉर्डिंग अगेन 6 to 7 जब हम मूव करें तो वहाँ पे एंगल स्ट्रेन क्या डिक्रीज कर रही है। उसके बाद आता है कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी का कुछ एविडेंस है, हमें बेयर स्ट्रेन थ्योरी के एविडेंस भी डिस्कस करने हैं। इसके दो एविडेंस है जनरली, एक तो सबसे पहले है कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के 2-मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड को उसने जूम किया 2-मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड को उसने जूम किया 2-मेंबर रिंग। अगर ये 2-मेंबर रिंग है तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 0°। ध्यान से देखना, बॉन्ड एंगल 0° हो गया। और एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं एंगल स्ट्रेन के फॉर्मूले की बात करता हूँ, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, 1/2 109°, 28 -0। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे 5 4°6 4', तो इसमें तो एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है, मीन्स 2-मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है, मीन्स इसको सिंथेसाइज करना बहुत मुश्किल है, मीन्स ये हाईली रिएक्टिव है। और एक्चुअल में अगर हम बात करें डबल बॉन्ड रिंग होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव रहती है, एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन शो करती है। तो जो पहला एविडेंस है उसके साथ वहाँ पे कंप्लीट होता है कि जो उसने अज्यूम किया था अकॉर्डिंग टू एंगल स्ट्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल पे वहाँ पे क्या है इजिली एप्लीकेबल है, जिसमें सबसे पहले जो एविडेंस दिया गया कि अगर हम डबल बॉन्ड को 2-मेंबर रिंग अज्यूम कर रहे हैं बॉन्ड एंगल क्या होगा, 0°। अगर बॉन्ड एंगल 0° है तो एंगल स्ट्रेन 54°,
64 मिनट से आ रही है, और एंगल स्ट्रेन इतनी ज़्यादा तो मीन्स मॉलिक्यूल का अनस्टेबल है, अनस्टेबल तो मीन्स हाईली रिएक्टिव है। और एक्चुअल में जो डबल बॉन्ड रिंग डबल बॉन्ड होता है हमारे पास एल्कीन की अगर हम बात करें, जितने भी हमारे पास साइक्लो एल्कीन है वो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, जो सबसे पहले इसका फर्स्ट एविडेंस है। सेकेंड इसमें क्या है एविडेंस की, अगर मैं सेकेंड की बात करूँ, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ, सेकेंड एविडेंस क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन, उसमें क्या है कि जब हमने हीट ऑफ जो हीट ऑफ कंबस्टन पर सी एच टू मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ इन दोनों मॉलिक्यूल के लिए, इसके लिए अराउंड वैल्यू 27.6, सॉरी इसके लिए 38.6 के अराउंड, और इसके लिए 28.76 किलो जूल पर मोल इन कंपैरिजन टू जो इसकी वैल्यू है इतनी ज़्यादा है अगर हम जो हमारे पास सिंपल एन एल्केन्स है, एन एल्केन्स मीन्स जो हमारे पास एलिफैटिक एल्केन्स है उसके कंपैरिजन में वैल्यू क्या इतनी ज़्यादा है। अगर हीट ऑफ कंबस्टन की वैल्यू इतनी ज़्यादा तो मीन्स ये उसके कंपैरिजन में क्या इनकी स्टेबिलिटी क्या कम है, मीन्स ये उससे अगर इनकी वैल्यू इतनी हीट ऑफ कंबस्टन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या ज़्यादा स्टेबल है अगर हम बात करें एन एल्केन्स के कंपैरिजन में। तो मीन्स तो जो हमारे पास साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन की अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ तो इनकी जो रिएक्शंस हैं किसी साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी या साइक्लो सॉरी कोई एडिशन रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो उनके कंपैरिजन में जो दो हमारे पास मॉलिक्यूल है इनस्टेबल है, उनकी इनके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, इसके दो एविडेंस है जो एविडेंस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को इजिली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को इजिली वहाँ पे क्या कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है उन दोनों को फॉलो कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड वाला और जो साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन की जो उसने हीट ऑफ एजम्पशन की जो हीट ऑफ कंबस्टन के बेसिस पे जो उसकी बेस टेन थ्योरी को वहाँ पे प्रूव किया है। इसके बाद आती है इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में क्या है कि अब हमने यहाँ पे ज़ूम किया था कि जो डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड एंगल है उसमें क्या एंगल स्ट्रेन क्या है 54 डिग्री 64 मिनट्स। अगर इसमें एंगल स्ट्रेन इतनी ज़्यादा है, अगर इसमें एंगल स्ट्रेन इतनी ज़्यादा है तो इससे हाईली रिएक्टिव है, और हमने एक बात की थी कि जिस मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना इम्पॉसिबल होता है या मुश्किल है, उसको हम इजीली सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन डबल बॉन्ड को तो हम इजीली सिंथेसाइज कर लेते हैं, अगर मेरे पास कोई इस तरह की रिएक्शंस हैं मीन्स ये हमारे पास जो एडिशन रिएक्शन होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें हम इजीली क्या कर लेते हैं डबल बॉन्ड को सिंथेसाइज कर लेते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल को हम सिंथेसाइज करते हैं मीन्स अकॉर्डिंग टू बेयर स्टीन थ्योरी अगर मैं बात करूँ तो जो यहाँ पे हमने इसको एविडेंस माना था यहाँ पे चीज़ें रॉन्ग प्रूव होती है, इसकी लिमिटेशंस में आ जाते हैं। सेकंड इसने क्या कहा था कि जो हमारे पास साइक्लोहेप्टेन रिंग है, जैसे ये हमारे पास फिफ्थ मेंबर रिंग है, दिस वन इज द सिक्स मेंबर रिंग, दिस वन इज सेवन, मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ, दिस वन इज फोर फाइव मेंबर रिंग एंड दिस वन इज फोर सिक्स मेंबर रिंग एंड दिस वन इज फोर सेवन मेंबर रिंग, सेवन सिक्स फाइव। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या था, इनमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा थी, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा थी, मॉलिक्यूल क्या थे अनस्टेबल थे, अनस्टेबल थे। लेकिन एक्चुअल में अगर हम हीट ऑफ कंबस्टन पर सी एच टू ग्रुप की अगर हम बात करें, इसके बेसिस हम बात करें इन मॉलिक्यूल के लिए जो हीट ऑफ कंबस्टन है जो हीट ऑफ कंबस्टन की वैल्यू वो क्या ऑलमोस्ट सेम है, तो ये जो इन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल क्या सभी स्टेबल नहीं है, साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल है, साइक्लोपेंटेन कम स्टेबल है, साइक्लोहेप्टेन इज ऑल्सो उसकी स्टेबिलिटी क्या वहाँ पे कम है। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो होती है जनरली वो मैंने पहले बताया था वो 3 to 5 जो हमारे पास स्मॉलर रिंग मॉलिक्यूल्स हैं साइक्लोहेक्सेन्स उन्हीं पे एप्लीकेबल है, उन्हीं की स्टेबिलिटी को इजीली प्रेडिक्ट करती है, और वही जो जो इसकी स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करती है वही एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ वहाँ पे इजीली उसको प्रूव कर पाते हैं, उसको वहाँ उसके साथ वो सपोर्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को वहाँ पे इजीली सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। लिमिटेशन में जैसे ये दो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं तो उसकी लिमिटेशन में आ गई, जो फैक्टर उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके एविडेंस में आ गए। तो ये हमारे पास बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप इजीली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।